So children, take out your maths copy. At the very first, we have to write the date here. Write 8-6-2020, since I'm doing it on 8-6-2020. And we'll write the heading here. Numbers 10 to 20. I'm writing it with a pen to make it more distinct, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, but आपको ये pencil से ही करना है. बाद में अगर करना हो उसके बाद आपको करना है, लेकिन सबसे पहले आपको pencil ही use करना है, right? तो अभी आपने यहाँ पर पहले दो box यहाँ से लेनी है. दो box को लेके आपको एक स्टैंडिंग लाइन लेना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ से काउंट करना है 5 बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 बॉक्सेस को लेके आपने स्लीपिंग लाइन लेनी है, राइट? आपने यूं ले लिया और यूं ले लिया, ओके? एंड टू मेक इट इजियर, आपको इजी बनाने के लिए मैं सर्कल यूज करती हूँ. आपको हल्के से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I've made 10 circles here. How many circles I've made? 10 circles. So 10 circles in one group means what? Right. 10 circles in one group is 1, 10. Right. Okay. 1-10 यानी एक पूरा ग्रुप है. सो 1-10 का मतलब है 1-0, 1-0, 10, 1-0, 10. And write the spelling also, T-E-N. Okay, next आपको ये एक घर छोड़ना है, आपको ये बॉक्स एक छोड़ना है. लीव दैट बॉक्स के नीचे से आपको स्टार्ट करना है. फिर से आपने दो बॉक्स लेना है और यहाँ से राइट, ओके? एंड यहाँ पे भी हमने यू हैव टू मेक 10 बॉक्सेस हियर, 10 सर्कल्स हियर. सो दिस इज 1-10 एंड आई हैव मेड वन अनदर बॉक्स हियर. लेकिन ये अकेला एक यहाँ पे सर्कल रहेगा. सो 1-10 and 1-1, ये अकेला है तो ये क्या होगा? 1-10 and 1-1. सो वील हैव टू राइट द नंबर एज 1-10 and 1-1. So 1-10 and 1-1 yani is equal to how much? Right, 1-1, that is 11. You have to write here 1-10, okay, and 1-1 here. You have to write 1-10 here. Okay? Same manner, we have to make another box here. Two boxes. So this is 1-10 and 2-1s. 1-10 and 2-1s. So how do we form the number here? 1-10 and 2-1s is equal to 12.
You have to write the spelling TWELVE. 12. Can you see it? Very good. So do not draw too many boxes in one page. Try to make the page little tidier. So आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, यहाँ पे सिर्फ मैं और एक बॉक्स बनाऊंगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, 110 एंड 3 ones. तो ये नंबर क्या बन गया, 110 एंड 3 ones. 110 एंड 3 ones is equal to 13. You write the number also, 13. So agla picture, the next picture I've made in the same manner, 110 and 4 ones. 110 and 4 ones. So we have to write 110, 4 ones, 14. 110, 5 ones. 110 and 5 ones is equal to 15. And the number is 15. Now children, we can make up to 19 in the same manner. So I've already drawn it in my copy. You have to draw it in your copy. I'll just show it to you right now. So children, I have made ones and tens dice boxes up to 20. आप देखिए मैंने किस तरह से बना दिया है. आप इसी को फॉलो करके आपकी कॉपी में आपको बनाना है. बट डू इट यूजिंग अ पेंसिल, डू नॉट राइट इट विद अ पेन. और आप उसको आप अच्छी तरह से कलर कर सकते हो. जैसे मैंने 110 टेंस को मैंने रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से और वंस को ग्रीन से. तो मैंने ये अलग अलग कलर कर दिया है. मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूँगी. यहाँ देखिए इतनी अच्छी तरीके से मैंने कलर कर लिया है और इतना अच्छा भी लग रहा है. आप इसको कलर करना है, आपको पेंसिल से पहले बनाना है, फिर इनको आप कलर से भरना है. ठीक है, तो लास्ट में ये आपका आ गया 110, 9 ones तक 19. और लास्ट में आपका आ गया, ये 10 था इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया. चेंज इट टू रेड कलर टू मेक इट मोर स्पेसिफिक. सो दो टेंस हो गया, टू टेंस इज इक्वल टू 20. सो अब जल्दी जल्दी अपनी कॉपी उठाओ और इसे आप आराम से अच्छे हैंडराइटिंग में इन्हें बनाइए. तो काफ़ी कुछ लिखना हो गया आज के दिन में, इसीलिए मैं और ज़्यादा आज या दूसरा सब्जेक्ट भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ लिखना है आपको. आप धीरे धीरे इसे दो दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, तो जल्दी से कॉपी निकालिए और इन्हें कीजिए आप.